अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। आज हम लेकर आए रमज़ान स्पेशल दही वड़े की रेसिपी। इस तरह से खट्टे मीठे दही वड़े बनाकर खाएं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। और देखें, एकदम जालीदार बनकर तैयार हुए थे, अंदर से एकदम जालीदार, देखिए मुँह में घुल जाने वाले बने थे। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने उड़द की दाल ली थी और 1 कप मूँग की दाल, 1 कप उड़द की दाल। हमने छिलके वाली दाल ली थी, इसे अच्छे से हमने धो लिया है, छिलके निकाल दिए हैं। अब इसे इन दोनों दालों को हम पीस लेंगे। हमें एकदम बारीक दाल पीसनी है, दानेदार नहीं पीसनी है। देखिए इस तरह से हम दाल को पीस लेंगे। अब इसके बाद हम उड़द की दाल पीस लेंगे। दोनों दालों को हमने पीस लिया है, ये देखिए। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करिएगा। इसके बाद भुना हुआ जीरा ऐड करेंगे। अब दाल को हमें फेंट लेना है। देखिए हमें इतनी देर फेंटना है कि जब तक दाल का कलर वाइट ना हो जाए, फेटते फेटते इतनी देर फेटना है। फेटने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बहुत ही मज़े के बड़े बनकर तैयार होते हैं। ये देखिए, हमने 1 कटोरी पानी लिया था। दाल देखिए, हमने इसमें डालकर देखा है, दाल ऊपर आ चुकी है, बहुत अच्छी दाल हमारी फेट चुकी है। ये देखिए तेल गरम हो चुका था, इसमें हमने थोड़ी सी दाल डालकर देखी है। देखिए हमें ऐसा ही तेल चाहिए। फिर इस तरह से हमें सारे बड़े फ्राई कर लेने हैं। देखिए माशाल्लाह से एकदम फ्लफी दाल हमारी तैयार हुई थी। अपने आप ये कितनी फ्लफी दाल हमारी फटी थी कि बड़े जो हम डाल रहे हैं ये ऊपर अपने आप आ रहे हैं। और इन्हें आप ज़्यादा तेज़ आँच पर नहीं तलिएगा, धीरे आंच पे इन्हें फ्राई करिएगा। नहीं, अंदर से कच्चे रहेंगे और ऊपर से फ्राई हो जाएंगे। धीरे आंच में तलने से अंदर से बड़े हमारे बहुत अच्छे पकते हैं। ये देखें, अब हम इसमें 1 से 2 बूंद पानी की छींटे तेल में हम डालेंगे, ताकि ये देखिए, ताकि जो तेल है उछलकर बड़ों के ऊपर आ जाए। जब हम बड़े पलटे तो अच्छे से बड़े हमारे एकदम क्लीन क्लीन निकले। ये देखिए, जो पानी की हमने छींटे डाली थी उससे बड़ों के ऊपर तेल आ चुका है। अब हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा तेल डाल देंगे। अब इसके बाद हम साइड को चेंज कर देंगे। देखिए देखिए, इस तरह से धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से साइड को चेंज कर देना है। प्लीज़ अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो बेल के बटन को दबा दें, ताकि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये देखिए, और हमें ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं करना है, एकदम लाइट देखिए हमें रखना है। ये देखिए, इस तरह से हमने सारे बड़ों को फ्राई कर लेना है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बने थे, एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हुए थे। इसी तरह से हमने दूसरा बैच भी तैयार कर लेना है। ये देखिए, अब हम दूसरा बैच डाल देंगे इसमें। बहुत ही मज़े के बनकर तैयार हुए थे। इस तरह से बनाकर खाएं, रमज़ान में बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए, हमने दूसरा बैच भी इसी तरह से डाल दिया है। अब इसके बाद हमें थोड़ा हल्का गर्म पानी लेना है। इसके बाद इसमें हम थोड़ा से धनिया डालेंगे। आपके पास हो तो आप डाल दें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक डाल के इसे अच्छे से देखिए मिला देंगे, ताकि नमक अच्छे से घुल जाए। ये देखें, देखिए नमक अच्छे से घुल चुका है। अब इसमें हम देखिए, अब हम आपको दिखाएंगे कितने अच्छे अंदर से एकदम जालीदार बड़े बनकर तैयार हुए थे। ये देखिए कितने अच्छे जालीदार बनकर तैयार हुए। अब जो बड़े हमने निकाले थे वो इस पानी में हम डाल देंगे। 1 मिनट के लिए इस पानी में हम बड़ों को रखेंगे।
ये देखिए। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगती हो तो कमेंट में बताया करें, ताकि हम इसी तरह की रेसिपी आपके लिए लाते रहें। हमने जमा हुआ दही लिया था, इसमें चीनी और नमक डाल के फेंट लेना है। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, हमें ज़्यादा पतला दही नहीं चाहिए। ये देखिए, इस तरह से हम बड़ों को प्लेट में निकाल लेंगे। पानी को हम निचोड़ देंगे। देखिए, अब इसके बाद हम इसमें ऊपर से जो हमने दही देखिए फेटा था, वो दही हम थोड़ा थोड़ा इसमें डाल देंगे इस तरह से। देखिए, दही हमें अच्छे से डालना है, ताकि जो बड़े हैं वो दही में अच्छे से डिप हो जाएं। फिर उसके बाद देखिए, हम खट्टी मीठी इमली की चटनी इसमें थोड़ी थोड़ी डालेंगे। ये देखें, अब इसके बाद हम डालेंगे पुदीने की ग्रीन चटनी। ये देखें, हमने पुदीने की ग्रीन चटनी इसमें डाल दिया। इसके बाद इसमें कुछ सूखे मसाले, लाल मिर्ची हम डालेंगे थोड़ी सी, चटपटा फ्लेवर देने के लिए। अब इसके बाद हम इसमें थोड़ा से भुना हुआ ज़ीरा डालेंगे, और थोड़ी सी हम इसमें पिसी हुई खटाई डालेंगे। पिसी हुई खटाई डालने से बहुत ही चटपटा बड़े हमारे लगते हैं। ये देखिए, हमारे बड़े बनकर तैयार हैं। इस तरह से बनाकर खाएं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। ये देखिए, अब हम दिखाएंगे आपको तोड़कर, देखिए कितने अच्छे बनकर तैयार हुए थे। माशाल्लाह से एकदम सॉफ्ट, एकदम मुँह में घुल जाने वाले बने थे। इस तरह से बनाकर खाएं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।